मामले पे, कश्मीर पे, आसाम पे हम नहीं बोले, पर जब हमारे हिंदुस्तानी होने की बात आई तब हम बोले, तो यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि हम हिंदुस्तानी हैं। पे गोली खा लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे, पर अपने देश से कभी नहीं निकलेंगे हम। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद शेरजर। हम आए हुए हैं करदमपुरी, जहां एनआरसी सीएन एनपीआर को लेकर के पुरजोर विरोध हो रहा है। 10 से 12 का टेम्परेचर है, उसमें यहां की महिलाएं अपना प्रोटेस्ट कर रही है, शांति के साथ में इनका आंदोलन चल रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ लेडीज से चल करके। जी, आप एनआरसी के विरोध में आए यहाँ पर? हाँ भाई, बिल्कुल आए हैं एनआरसी के लिए, कि सरकार ने जो ये रखा भेदभाव जो करा है, तो क्यों, किस लिए? एनआरसी तो खैर नहीं हो रहा है, सीए के सीए तो सबके है ना, सबके लिए हक बराबर होना चाहिए सबके लिए। और ये जो करा कोई, हमारे तो देश में जो है सब एक है और है ना, सब आदम की औलाद है सब, तो इसमें तो मोदी सरकार है, जो भी है, हिंदू हैं सब, एक माँ बाप की औलाद है, तो इन्होंने अलग मुसलमानों को क्यों करा, कि ये भी तो एक मुसलमान की औलाद है। सबसे पहले जो है आदम दुनिया में आए थे, तो जो हो रहा सबको हक मिलना चाहिए। बताएं सीए पे आपकी क्या राय? सीए में मेरी ये राय है, जो हमारे कंट्री में बाहर से अलाउ नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, उनके लिए रोजगार नहीं है, उनके लिए जॉब्स नहीं है, वो पैसे परेशान है, हाउस नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, बहुत। सीए पे क्या राय? सीए में मेरी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, सीए के खिलाफ, देने ही नहीं चाहिए उन्हें एंट्री, जो हमारी पॉपुलेशन है उसी के लिए जॉब्स वगैरह। सीए में अगर कुछ हिंदू भाई बहन आ जाते हैं तो उससे तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, सीए एनआरसी एक दूसरे से लिंक करता है, अगर एनआरसी के थ्रू वो निकालते हैं तो सीए के थ्रू उन्हें तो ले लेते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग रह जाते हैं जिनके ऑन डॉक्यूमेंट हो रहा है, डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है वो तो इंडियन नहीं रहा ना, तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो इंडियन को भी बाहर निकालेंगे और बाहर के लोगों को एंट्री देंगे। अगर मुस्लिम्स को इस सीए के अंदर शामिल कर लिया जाता है तब तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, तब एनआरसी क्यों करेंगे फिर वो? कुछ हिंदू बहन भाई आएंगे तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि हम हिंदुस्तानी और हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, मोदी कुछ भी कर ले हम यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, जिए या मरे। ये जो आप सीए की बात कर रहे हो, हम सीए के विरुद्ध, और इसलिए नहीं कि हमारे हिंदू मुसलमान हिंदू भाई आएंगे, इसलिए कि इससे हमें ही क्यों अलग किया गया, इसमें हमारा ही बायकॉट क्यों किया गया, मुसलमानों को क्यों?
क्यों नहीं जोड़ा गया? हिंदू या मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये हमारे संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है सिर्फ उसके लिए है। ये लोग बात करते हैं दूसरे देश में जो लोग पीड़ित हैं उन्हें यहाँ पर सराहने के लिए, लेकिन चलो ठीक है वो बात से हम राजी हैं, आप दे दो, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं जो इतने परेशान हैं उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे, उनसे क्यों नागरिकता मांग रहे हो फिर? आंदोलन, इस आंदोलन के द्वारा आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, एनआरसी को हटाओ। चाहिए देखो, हमें किसी से कोई गिल्ला नहीं, किसी से कोई शिकवा नहीं। देखो हम नहीं चाहते यहाँ से देश के अंदर से निकलना, हम सीने पे गोली खा लेंगे चाहे कुछ भी कर लेंगे, पर अपने देश से कभी नहीं निकलेंगे हम लोग। जो निकालना चाहेगा हम उसको एक एक को देखेंगे। हम सबका है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, हिंदुस्तान सबका है, और किसकी हिम्मत नहीं आ जाए यहाँ पे निकाले उसकी गाली किसी को नहीं। यहाँ पर एनआरसी को लेकर के, सीए को लेकर के, या एनपीआर को लेकर के आप धरना दे रहे हैं? हम अपने ईमान के लाख नहीं, आप आपको जो शिकायत है यहाँ पर वो एनआरसी से है? एनआरसी से है, सीए से है या एनपीआर से? एनआरसी से हमें शिकायत है कि तो प्रधानमंत्री ने तो मना कर दिया है कि हम एनआरसी नहीं ला रहे हैं, सीए कानून बन गया है वो तो है अब देश के अंदर, तो हम बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? हम तो भैया यही कर सकती है फिर तो। आपका कहने का है कि वो सीए में अगर मुस्लिम समुदाय को रखा जाता है तो आप अपना जो विरोध है इसको खत्म कर देंगे? जी। मेरा नाम है अनम, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जी मैं 30,000 में प्रैक्टिस करती हूँ। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी ऑल आर इंडियंस, तो यहाँ पे हम लोगों ने ही मिलके इन लोगों की सरकार बनाई है, अब वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो, तो फिर यहाँ पे सीएए को लेके एनआरसी को लेके मुस्लिम को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है इन लोगों से, और हमें हमारी बात कहने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? हम अपना बिल्कुल शांति से और इतना पोलाइटली हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका विरोध किससे? हमारा विरोध और एनआरसी से है, सीए से है या एनपीआर से? जी हमारा विरोध तो एनआरसी एनपीआर तीनों से ही है, ऑब्वियसली हमारा विरोध। एनआरसी तो लाई नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि एनआरसी तो हम लाई नहीं रहे हैं। एनआरसी वो उनका तरीका स्ट्रेटेजी उनकी अलग है, लेकिन वो चाहते वही है कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जाए, वो यहाँ से मुसलमानों को निकाल। सीए से आपको प्रॉब्लम है? अगर सीए में बाहर से कुछ हिंदू भाई बहन आते हैं तो उससे तो मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं बाहर से आप लेकर आओ उससे हमें कोई परेशानी नहीं, आप किसी को भी नागरिकता दे सकते हैं, वो आपका हेडिक है, लेकिन आप यहाँ के लोगों को बाहर क्यों भेजना चाहते हैं? मुस्लिम समुदाय को उससे बाहर रखा गया है, आपका आपका विरोध उससे? जी बिल्कुल, हमारा विरोध उसी से है कि मुस्लिम, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो मुस्लिम शुरू से जन्म से रेंट पर रहते हैं, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिलेगा, हम अपना सारा टाइम वेस्ट करके डॉक्यूमेंट ढूंढे इन सब में, तो हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, यहीं पे हम पले बढ़े, यहीं पर हमने अपनी एजुकेशन ली है, तो फिर अब आकर अब हमने इनकी गवर्नमेंट बनवा दी तो अब हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, तो ऐसा ये लोग क्यों चाहते हैं? मुझे मेरे से सिर्फ यही क्वेश्चन। एनपीआर तो पहले से भी होता हुआ है, एनपीआर से तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए? एनपीआर से हमें इतनी परेशानी, कुछ कॉलम बढ़ाए गए हैं एनपीआर तो शुरू से है? एनपीआर शुरू से ही है, एनपीआर शुरू से नहीं है, एनपीआर सीए एनपीआर शुरू से है, उसके अंदर कुछ कॉलम बढ़ाए गए हैं। ठीक है, अगर कॉलम बढ़ाए गए हैं, अगर देखिए जब इन्होंने बोला था कि 22 तारीख को पूरा फैसला होगा, तो इन्होंने हमें 22 तारीख को पूरा फैसला क्यों नहीं सुनाया? क्यों हमें इन्होंने एक और 4 हफ्तों के लिए टाल दिया? हमारे शाहीन बाग में माए बहने और भी कितनी जगह शाहीन बाग। आप शाहीन बाग से हैं? जी जी जी, मैं शाहीन बाग से ही हूँ, पूरा पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग है, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से हैं या वहाँ से हैं, हम सब एक हैं। और ये बताएं कि उन्होंने शाहीन बाग से शुरू हुआ था और पूरे मुल्क में फैल चुका है और शांति के साथ में अगर प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं इसको। जी 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 जी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने एक हफ्ते वो एक महीने का टाइम और क्यों मांगा है, क्या रीज़न है? आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बताएं। देखिए एनआरसी से आप खुद देख रहे हैं कि कितना पूरा हिंदुस्तान परेशान है, ये हम ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं, घरों की औरतें भी कितना परेशान हैं कि मोदी जी को इसे वापस लेना चाहिए, 100% वापस। मतलब वो अपना पूरा आश्वासन आपको नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि कल को एनआरसी भी बिल पास हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अगर बिल पास अगर हो भी गया है, वैसे तो होना नहीं चाहिए बिल पास। होगा भाई? नहीं होगा, हम भी उम्मीद ये करते हैं। बिल्कुल नहीं होगा और ये रिजेक्ट होना चाहिए, ना नहीं होने देंगे, बिल्कुल होने नहीं।
अगर सीए में मुस्लिम समुदाय को शामिल कर लिया जाता है तब तो आपका प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सीए तो शुरू से है, अदनान सामी को सिटीजनशिप दी गई है, सीए तो शुरू से ही है। अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आकर के सिटीजनशिप मांगता है तो सिटीजनशिप तो हमने शुरू से दी है। बस इस बार जो सीए बना है उसके अंदर मुस्लिम समुदाय को नहीं रखा गया, इसलिए आप लोगों ने अपने विरोध शुरू किया। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है यहाँ पर, एवरी कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, हर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, सब कैटेगरी के लोग हैं और सब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ उनको लगता है कि सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम औरतें बोल रही हैं या मुस्लिम महिलाएं आगे निकल कर बोल रही हैं, ये सबका सबको इस चीज़ से परेशानी है, इसको ये लोग वापस लें और लेना पड़ेगा। हाजी नसीब आलम है, करदमपुरी निवासी हूँ। दरअसल एनआरसी का तो अभी मसौदा आया नहीं संसद, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चर्चा नहीं हुई, लेकिन अमित शाह जी ने जो संसद भवन में खड़े होकर कहा कि एनआरसी आएगा, पूरे देश में आएगा, हम लेकर आ रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? तो उनके बारे में वही कहूँ, मेरा जमीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो एनआरसी को इन्होंने कन्फ्यूज़न खुद पैदा किया तमाम पब्लिक में। अमित शाह जी की 9 ऐसी बड़ी मीटिंग है और उनके 8 इंटरव्यू हैं जिसमें उन्होंने बोला कि एनआरसी हम लेकर आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न कौन फैला रहा है? कन्फ्यूज़न सरकार खुद फैला रही है। दरअसल क्या है कि ये पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये सिलसिला अब गुज़िश्ता 6 साल से शुरू हुआ और अभी तक उसको अख्ताम पे नहीं आया है। ये डर की एक राजनीति है कि लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए और माइनॉरिटी को और कमज़ोर किया जाए। जो कानून सीए है, हम इसको रिवोक करने की हमारी दरख्वास्त है उनसे। ये सीए कानून है, दरअसल किसी भी देश में फॉरेन के लोगों को या बाहर के लोगों को या पनाहगुजीन लोगों को नागरिकता देने का कानून होता है, हमारे देश में भी था। ये एक अमेंडमेंट बिल लेके आए। सवाल यह है कि अमेंडमेंट आप करते बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपने हमारे 6 भाइयों को तो उसमें शामिल कर लिया, एक अकेले मुसलमान को क्यों छोड़ दिया? जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसका रूह होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की रूह जो होता है वो उसकी प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना के आधार पर सारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। प्रस्तावना ये कहती है कि यहाँ पर तमाम लोगों को कोई रंग भेद नहीं है, जात पात नहीं है, धर्मवाद नहीं है, कोई छोटा धर्म नहीं, बड़ा धर्म नहीं, अपने इसको अपने इसके आधार पर उनको आराधना करने का हक हासिल है। तो सब बराबर के हकदार हैं, सब बराबर के शहरी हैं। मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया, उसके पीछे साजिश क्या है? दरअसल सीए बिल जो है, अभी ये उनसे कहते हैं कि नागरिकता देने का बिल है, छीनने का बिल नहीं है। एक्ट बन चुका है, कानून बन गया, लागू हो गया हमारे देश में। जी, कानून बन गया है, लागू हो गया है। संसद भवन में अगर एक मानसिकता के लोग कुछ बैठ जाते हैं और ये कानून पारित कर दें कि भाई हर साल 1 करोड़ मुसलमानों को मारा जाएगा, तो क्या हम उसको मान लें? जो संविधान हमारा जो है, ये देश संविधान से चलेगा, किसी की मानसिकता से नहीं चलेगा। संविधान हमारा ये कहता है कि सबको बराबर का हक हासिल है। तो अगर सीए के अंदर कुछ हिंदू भाई बहन आ जाते हैं तो उससे तो मुस्लिम को परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं है। हम अगर सीए अब लाना चाहते हो तो आप उसमें मुसलमानों को शामिल कर लीजिए, क्या हारा जाए? हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ रोजगार की समस्या हल हो गई क्या? यहाँ पर आपकी GDP कहाँ जा रही है? आज हम बांग्लादेश से पिछड़े हुए, हम बांग्लादेश की 1/3 स्टैंडर्ड पर भी नहीं है। बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, अभी 1971 में बना है। आपने हमारे देश को कहाँ ला के खड़ा कर दिया? भुखमरी इतनी है, रिकॉर्ड है, 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर आज हमारी बेरोजगारी है। आप ये देखिए कि महंगाई कहाँ जा रही है। आप ये देखिए कि बच्चे बेरोजगार जो हैं, अगर कोई PN की नौकरी निकलती है तो 2 लाख लोग ऐसे इंजीनियर हैं जो उसके लिए अप्लाई करते हैं, आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो। देश के अंदर हालात ऐसे हैं, 1,76,000 करोड़ रुपये देश की आज़ादी के इतिहास में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिए। 1,76,000 रुपये आपने RBI से जबरन निकलवाए Section 8A के तहत, वो 1,76,000 रुपये कहाँ गए उसका कोई हिसाब नहीं। आज सरकार 45,000 करोड़ रुपये लेने के लिए RBI के दरवाजे पर खड़ी है, तो आप NRC कहाँ से कराएंगे मुझे बताइए आप? जब 1,650 करोड़ रुपये एक छोटे से प्रदेश आसाम के अंदर खर्च करेंगे, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो हमारा एक प्रदेश है उसके अंदर ही वो 12 गुना बड़ा है आसाम से, तो आप लगा लीजिए कितना पैसा होगा, जबकि आप देश चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है।
ये देश को बहुत मुश्किल से सजाया संवारा। इस देश के अंदर तमाम मजाहब के लोगों की कुर्बानियां हैं। आज हम लोग जहां खड़े 1857 में हमसे प्रूफ मांगा जा रहा है, 1857 की जब लड़ाई हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ी गई तो मेरठ से लेके और लाहौर तक कोई सा पेड़ ऐसा नहीं था मेरे भाई जिसके ऊपर एक उलमा की लाश ना टंगी हो। तो हमारा तो इतना बड़ा प्रमाण पत्र है, आप अब चले जाइए दिल्ली गेट पे, जो हमारा इंडिया गेट बना हुआ है, इंडिया गेट पे 93,700 नाम लिखे हुए हैं, जिसके अंदर 62,700 नाम जो है वो मुसलमानों के हैं, वो हमारा प्रमाण पत्र है। आप जाइए आगरा, आगरा का ताजमहल है, आगरा का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली में आसमान को छूती हुई इमारत कुतुब मीनार है, ये हमारा प्रमाण पत्र है। बताइए वो लोग जो फ्लैट में जिनके कागजात बह जाते हैं वो कहाँ से लेके आएंगे और क्यों किया जा रहा है? चुनाव से पहले तो आप नारा कुछ कहते हो और उसके बाद कहते हो कि साहब आप नागरिकता साबित करो। जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर आप गवर्नमेंट में आए, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमने वोट किया, आप पावर में आए, पावर में आने के बाद आप उसको नन एंड वॉइड करना चाहते हो। नन एंड वॉइड कैसे कर दोगे आप? उसी डॉक्यूमेंट से तो आप बने हो, तो सबसे पहले तो उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर हमारा डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है तो ये गवर्नमेंट भी वैलिड नहीं है। इस गवर्नमेंट के तमाम लोगों को रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, अमूमन ये कहा जाता है कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलती, पर्दे में रहा करती हैं ज़्यादातर। अब जो ये शाहीन बाग से जो आंदोलन शुरू हुआ है, कुरेजी, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद और अब ये करदमपुरी में भी शुरू हो गया है, तो आपको ठीक लगता है कि मुस्लिम औरतें धरने पर बैठी हैं? देखिए, हमारे समाज में पर्दे की बड़ी अहमियत है, जिनका नाखून भी किसी ने नहीं देखा था, आज आप देखिए इन्होंने देश को किस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हमारी बहन बेटी, हमारी माएँ घरों से निकल के खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई, इनका महाविश कौन है मुझे बताइए आप? इनकी हिफाजत करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं। ये लोग आज घर से निकल के आएंगे ये बताने के लिए कि हमारे ऊपर जो तोहमत थी वो गलत तोहमत थी। ये बेवकूफ़ नहीं है, ये अनपढ़ जाहिल नहीं है, ये इन्हें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये देश से मोहब्बत करती है, हम भी देश से मोहब्बत करते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो हम ये बाई चांस नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा अवसर था वहाँ पर जाने का जहाँ एक इस्लामी हुकूमत बनने वाली थी। हम चाहते तो, हमारे बुजुर्ग चाहते तो वहाँ जा सकते थे, लेकिन हमारे नेता मौलाना अबू कलाम आज़ाद, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और दीगर लोगों ने हमें रोका कि नहीं, आपका तहफ़ किया जाएगा, आपके तमाम जो अपने हकायक हैं वो आपको दिए जाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया था। आज हमारे साथ कितना बड़ा छल हो रहा है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप अपनी आइडेंटिटी साबित करो, अपनी नागरिकता साबित करो। मुझे बताइए देश को कहाँ ला के खड़ा कर दिया? ये तमाम लोग जो रोजगार से जुड़ते तो वो कुछ बनते, बच्चे पढ़ते, अब पेपर होने वाले हैं, आपने लोगों को सड़कों पर मतलब बिठा दिया ला के, बताइए ये कहाँ जाए? अंडरस्टूड है भाई साहब, ये इन्होंने ये शादी चाहिए, ये पॉलिटिकल है, ये कानून इन्होंने बनाया संख्या बल के आधार पर। अगर इस तरीके का जुल्म पहले सरकारें करती तो राजीव गांधी के पास 403 मेंबर थे, इंदिरा गांधी के पास 400 से ऊपर का मैंडेट था, तो मैंडेट कैसे पहले सरकारों को नहीं मिला? आज कौन सी खास बात हो गई? दरअसल क्या है, हिंदुस्तान में एक मानसिकता है जो 1954 से परवरिश कर रही है। वो लोग जो चुनाव नहीं लड़ते, जिनके ऊपर बैन लगाया गया था, किस कंडीशन में बैन लगाया गया था कि आप तिरंगे का सम्मान करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करेंगे, आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं दिखाएंगे, उन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानते नहीं, वो मनुस्मृति लाना चाहते। मुझे बताइए उनकी सोच कहाँ जा रही है? वो हमें बर्बाद, तबाह बर्बाद, देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आज देश भुखमरी की कगार पे खड़ा हुआ है, कैसे संभलेगा? 50 साल पीछे कर दिया हमारे देश को। हम इस देश के बानी, हम इससे मोहब्बत करते हैं, इसके लिए हम कुर्बानी हो जाएंगे। पहली लड़ाई जो हमारी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, नहीं कि मुसलमानों को। लेकिन दूसरी लड़ाई बिल्कुल हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमें अपने तहफ़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमको अलग थलग डाला गया। तो पहली लड़ाई हमारी कानून को बचाने की है। कानून हमें हक देता है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया वो हमें इस बात का हक देता है कि हम बराबरी और समानता के अपने अधिकार को जिंदा रखें, और अगर हम इसको जिंदा रखते हैं तो ये देश बचेगा, संविधान बचेगा। पहली और आखिरी लड़ाई संविधान बचाने की है, ये बच्चे संविधान की को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद सेकेंडली लड़ाई हमारी अपनी आती है अपने वजूद को बचाने की। आज हमारा वजूद खतरे में है, पूरी कौम मिल्लत का वजूद खतरे में है। आज हमारे साथ नहीं हो रहा है, आज ये हमारे साथ जो हो रहा है, कल इसके अंदर सिख की बारी है, परसों क्रिश्चियन आएंगे, उसके बाद पारसी आएंगे, फिर बौद्ध आएंगे और SC भी आएंगे 101%। तो चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोप डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। ये हमारा घर है, ये हिंदुस्तान है, इसके लिए और इसके संविधान को बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो ये थी करदमपुरी के निवासी
जो कि शायराना बात अंदाज में अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि अगर सीए के अंदर मुस्लिम समुदाय को रखा जाता तो शायद ये जो शाहीन बाग से आंदोलन शुरू हुआ है, जो अब पूरे मुल्क में फैल चुका है, खुरेजी, जाफराबाद, मुस्तफाबाद और अब ये कर्दमपुरी में चल रहा है, तो इस ये फैलता नहीं, ये आंदोलन ख़त्म हो जाता। अब भी अगर इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बैठ करके चर्चा करें और इसके अंदर अगर मुस्लिम समुदाय को शामिल कर लिया जाता है तो ये अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। आप देख रहे हैं डीवी न्यूज़, मैं मोहम्मद शेर अज़हर, कैमरामैन सुनील के साथ।